हेलो गाइज, वेलकम बैक माय चैनल भारतीय बाजारा। चलिए फटाफट देख लेते हैं 31 जुलाई को यानी कि सोमवार को मंडे को आने वाले उन सारे स्टॉक का लिस्ट जिनका रिजल्ट मंडे को आने वाला है। कुछ का रिजल्ट ड्यूरिंग मार्केट में आएगी, कुछ का आफ्टर मार्केट में, और कुछ का यहाँ पर कल किसी भी टाइम में रिजल्ट अनाउंसमेंट हो सकती है। तो हम लोग इन सारे स्टॉकों को देखेंगे कल किसका किस तरीके से रिजल्ट आती है, उसके बाद हम लोग को आसान हो जाएगा ट्रेड करना। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर कुछ स्टॉक थे जिनका रिजल्ट यहाँ पर 30 जुलाई का आया है और ये कल भी इनमें अच्छा परफॉर्मेंस हो सकती है मंडे के सेशन में। यहाँ पर देख सकते हैं सारे स्टॉक हैं जिसका रिजल्ट आज आ चुका है। तो चलिए कल के आने वाले स्टॉक का लिस्ट हम लोग देखते हैं। पहला स्टॉक है मारुति सुजुकी, यहाँ पर देखेंगे इसका कल रिजल्ट आने वाला है। नेक्स्ट है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेक्स्ट है अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, नेक्स्ट है अदानी ट्रांसमिशन। ये दोनों स्टॉक पर हमारी नजर रहेगी किस तरीके से इन स्टॉक का रिजल्ट होती है, फिर क्या परफॉर्मेंस होती है लाइव मार्केट में, इन दोनों पर मेरी पर्सनली नजर रहेगी। एक और स्टॉक है जो खास स्टॉक है गेल इंडिया, ये बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकती है, इसकी उम्मीद है रिजल्ट बहुत ही शानदार आएगी। इसका चार्ट पर टर्न भी हम लोग देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन चार्ट पैटर्न बना हुआ है। यहाँ पर देखेंगे तो ये ट्रायंगल रेक्टेंगल पैटर्न बना चुका है, इसी रेंज में ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया हुआ है। 22 से लेकर के 23 का ये जो चार्ट पैटर्न बना हुआ है, ऑलमोस्ट ये लगता है कि 6 से 7 महीने एक ही रेंज में ट्रेड किया। यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेकआउट दिया था, अगेन इसी रेंज में ट्रेड करा। कल इसका रिजल्ट अच्छा रहा तो फिर इसका जो नया हाई बनने वाला है 350 का नया हाई लगाने वाला है, तो इस पर मेरी खास नज़र रहेगी। गेल पे हो गया, अदानी के जो स्टॉक हैं उस पर मेरी खास नजर रहेगी। और ये मैं इस पर पर्सनली, अगर इसका अच्छा रिजल्ट होती है तो मैं इसमें पर्सनली कल लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट भी करने वाली हूँ गेल में। इसका रिजल्ट आने के बाद ही मैं इसमें इन्वेस्टमेंट का प्लान कर सकती हूँ, बट यहाँ पर अगर रिजल्ट अच्छा रहती है और यहाँ पर प्राइस सेक्शन बहुत अच्छा दिख रहा है, प्लस इसका रिजल्ट अगर दोनों एक साथ मर्ज हो जाते हैं तो इसका जो परफॉर्मेंस होगा बहुत ही शानदार होगा। नेक्स्ट स्टॉक है बोस, नेक्स्ट है यूपीएल, इसका भी रिजल्ट करने आने वाला है। नेक्स्ट है ओबेरॉय रियल्टी, नेक्स्ट है यहाँ पर पेट्रोनेट एलएनजी, नेक्स्ट है केईआई इंडस्ट्री, नेक्स्ट है नवीन फ्लोरीन इंटरनेशनल, नेक्स्ट है सुमित टोमो केमिकल इंडिया लिमिटेड स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक है JBM ऑटो, नेक्स्ट है IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स, नेक्स्ट है लक्ष्मी मशीन वर्क्स, नेक्स्ट है कास्ट्रोल इंडिया, नेक्स्ट है आशा इंडिया गैस ग्लास, नेक्स्ट है यहाँ पर कैनिस टेक्नोलॉजी इंडिया, नेक्स्ट है यहाँ पर वेट्स पून इंडिया, नेक्स्ट है गो फैशन इंडिया। इस पर भी मेरी जो आफ्टर मार्केट में इसकी रिजल्ट आने वाला है तो इस पर मैं मंडे के सेशन में इंट्राडे में ट्रेड प्लान कर सकती हूँ जिस तरीके से इसका रिजल्ट आएगा। इसमें भी एक्सपेक्टेशन है एक अच्छा रिजल्ट आने के लिए। गो फैशन बहुत ही अच्छा स्टॉक है, इसका IPO भी बहुत ही शानदार आया था, तो इसमें उम्मीद है कल इसका अच्छा रिजल्ट आने का चांस है गो फैशन में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 1 अगस्त के आने वाले स्टॉक की लिस्ट लेकर के आएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, जय हिंद।